दोस्तों मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप स्पाइस मनी का रिटेलर है तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अब जो आपका जो कमीशन प्लान था ए बी सी था, अब आपका डी भी मिल जाएगा, मतलब आपका डी भी एक्टिवेट हो जाएगा और 3000 रुपये के ऊपर जितना भी आप पैसा निकालेंगे मात्र 10 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। मतलब 3000 निकालेंगे तो 10 रुपया मिलेगा, 3100 निकालेंगे तो भी 10 रुपया मिलेगा, 3500 निकालेंगे तो भी 10 रुपया मिलेगा, मतलब 3000 के ऊपर जितना भी निकालेंगे अब आपको 10 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डी प्लान दिखा देता हूँ। देखिए, जिसे आप लोग स्पाइस ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे लोग में आ गया होगा और बहुत सारे लोग में नहीं आया होगा, तो आप क्या कीजिएगा, बैलेंस इंक्वायरी पर या फिर APS विड्रॉ पर कोई भी क्लिक कीजिएगा, बस आपको कमीशन का लिस्ट दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कमीशन पर यहाँ पर जब जाएंगे ना, यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है और ए डी है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि 3000 के ऊपर जितना भी निकालेंगे 10 रुपया ही कमीशन आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेट भी आपका हो जाएगा जब आपका प्लान होगा। देखिए, जब मेरा एक्टिवेट हुआ था ना तो 31 मार्च 2022 को एक्टिवेट हुआ था 5:05 पर, तो आप लोग चेक कीजिएगा। अगर मैं बी सी डी अगर मेरे सब होगा ए बी सी ठीक है और डी नहीं होगा तब आपको क्या करना, ए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा और डिस्ट्रीब्यूटर से बोलिएगा कि वो अपना डी प्लान एक्टिवेट कराए, मतलब आपके में डी एक्टिवेट कराए। मगर वही लोगों को होगा जो 5 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं और उनके पास ATM डिवाइस भी होना चाहिए, जो स्वाइप करने वाला डिवाइस होता है ना, वो भी अवेलेबल होगा, तभी आपका डी प्लान एक्टिवेट हो पाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझ पाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर से बोलिएगा कि अपने सेल्स मैनेजर से बात करें ताकि आपका डी प्लान एक्टिवेट करा दे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं समझ पाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को वीडियो भेज दीजिएगा और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अपने सेल्स मैनेजर से बात करेगा और सेल्स मैनेजर क्या करेगा, सीधा कंपनी से बात करेगा और फिर डीएक्टिवेट प्लान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे निकलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने के लिए पर जाइएगा, एड मनी पर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएंगे तो यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा। और मेरा बहुत सारे लोग रिटेलरों में मेरा नाम आता होगा और बहुत सारे लोग मेरे रिटेलर थे वहाँ से गायब भी हो गया होगा और यहाँ पे दूसरा नाम दिखाता होगा, तो जिसका यहाँ पे नाम दिखाता होगा, नंबर दिखाता होगा, उसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिएगा। ठीक है, से बोलिएगा कि हमारे में डी प्लान एक्टिवेट करवा दीजिए। ठीक है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका एक्टिवेट करा देगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैं समझदार नहीं होगा तो उसको बोलिएगा सेल्स मैनेजर से बात करें, वो सेल्स मैनेजर से बात करेगा तब आपका डी प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस यही छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। अगर मैं आपको ज़्यादा कमीशन कमाना है तो आप लोग डी प्लान एक्टिवेट कराइए, 3000 के ऊपर जितना भी पैसा निकालेंगे आपका मात्र 10 रुपया मिलते जाएगा। तो बस यही छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।